हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम जा रहे हैं पीर बाबा का जो मंदिर होता है ना, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ा सा जो इधर का व्यू है वो भी शेयर कर लेती हूँ। आज हम तीन जो पीर मंदिर है ना वहाँ पे जाएंगे। तो ये हम लोग अभी पहले में जा रहे हैं, तो पहला जो है वो पास में ही है। तो ये उधर का थोड़ा सा रास्ता है, आप देख सकते हो। ये देखो, अगर हम पहुँच भी गए वहाँ पे, पास में ही है ये। और ये ना छोटे छोटे मंदिर ही होती हैं जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। पीर का मंदिर है हमारे यहाँ पे ना, मान्यता है कि हमने जैसे कोई पशु रखा होता है, गाय भैंस वगैरह, तो उसका दूध घी वगैरह चढ़ाने जाते हैं, बस वही चढ़ा रहे हैं। और आपको पता ही है कि हिमाचल तो वैसे भी देवभूमि है। यहाँ पे ना आप आओ ना तो देखो, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना आपको छोटे छोटे मंदिर दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। और ये हम चढ़ा रहे हैं यहाँ पे जो घी और दूध वगैरह चढ़ाते हैं। ये है, आप देख सकते हो ये छोटा सा मंदिर। मैंने सोचा आज हम लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम दूसरे जो पीर का मंदिर है ना उसकी ओर चल पड़े हैं। तो ये है दूसरे मंदिर का रास्ता। ये देख सकते हो आप कितना सुंदर खुला खुला वातावरण है हमारे हिमाचल का। पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ आपको कई व्यू, ये अलग ही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने कैप्चर कर लिया और आप लोगों को सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, पास से तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फूल हरा भरा है हमारा हिमाचल, ये देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है। हिमाचल में ना ऐसा ही है, अगर आप कहीं भी जाओ ना तो आपको ऐसे इतने पेड़ पौधे दिखाई देंगे कि ऐसे लगता है जंगल ही है, पर ये है जंगल ही होता है। ये तो बस मतलब इतने पेड़ पौधे हैं हमारे यहाँ पे, जंगल जैसा लगता है, ऐसे जंगल नहीं है ये। तो ये देखिए थोड़ा रास्ता है, रास्ता ये थोड़ा साइड से होके जा रहा था ना, मेन रोड से अलग था। ये जो पीर का मंदिर है ना वो वहाँ थोड़ा अलग ही साइड में है, एकांत में ही है साइड में, तो बाजार नहीं है उधर, इसलिए आपको इधर बाजार शॉप्स कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं वहाँ पे, भीड़ नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, लोग तो बहुत आते हैं यहाँ पर हम सुबह सुबह ही चले गए थे जल्दी। तो ये एक छोटा सा दूसरा मंदिर है पीर बाबा का। यहाँ पे भी हम बस वही चढ़ाएंगे, ये देखो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये आसपास की जगह है। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे, देख सकते हो आप। और ये जो ढोल वाला है वो ढोल बजा रहा है, जब लोगों की कोई मन्नत पूरी हो जाती है ना तो लोग ये ढोल बजवाते हैं। तो ये वो अंदर आप देख सकते हो छोटा सा एक जो पीर का, और फिर हम वहाँ से ना फिर चल पड़े तीसरे पीर की ओर, जो ना हमारे घर से बहुत दूर है, काफ़ी दूर है। तो ये वहीं का रास्ता है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखो आप देख सकते हो। यहाँ का रास्ता ना बहुत लंबा था, हम लोग यहाँ पे काफ़ी लंबा सफ़र किया। वो तो दो पीर जो है ना वो हमारे घर के पास ही हैं थोड़े, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन ये जो तीसरा है ना ये काफ़ी दूर है। और ये इधर का जो रास्ता था ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हम भी लोग अक्सर यहाँ का आया जाया नहीं करते हैं क्योंकि दूरी पे है ना, तो बस कभी माथा टेकना हो तो तभी जाते हैं इधर हम लोग। तो बस यही वो रास्ते का जो सुंदर व्यू है वो मैंने कैप्चर कर लिया।
हिमाचल के लोगों लिए, हिमाचल के लोगों के लिए तो कुछ खास नहीं होगा ये, क्योंकि लोग अक्सर ये सब देखते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ जो बाहर के लोग हैं उनको भी ज़्यादा पसंद आता है, तो भी मैंने ये कैप्चर किया है। अदरवाइज़ हिमाचल में तो लोग आम नॉर्मल तौर पर ये सब कुछ देखते रहते हैं, परंतु इसमें भी ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है, तो ये अलग सा था हमने, मुझे मेरे लिए भी न्यू था, क्योंकि हम नहीं अक्सर यहाँ पर जाते हैं, कभी कभार ही जाना होता है, तो यह तो अच्छा लग रहा था। वातावरण लग रहा है यहाँ पे, हर तरफ पेड़ हरियाली और इतना प्यारा लग रहा है, जैसे तो बिल्कुल साफ सुथरा। और फिर हम पहुंच गए तीसरे पीर बाबा के मंदिर में, तो ये आप देख सकते हो ये जो ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ पे आज ना ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि लोग बहुत कम आए हुए हैं, और ये देखिए हम लोग भी पहुंच गए हैं यहाँ पे, छोटी छोटी जो दुकानें लगी हुई हैं, और ये आंगन है यहाँ पे बहुत बड़ा है, यहाँ पे ना हम लोग, यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं, यहाँ पे वीरवार के दिन ही लोग जाते हैं क्योंकि ये पीर का जो मंदिर है ना, इसलिए। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा आंगन है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा और लग रहा है। बहुत ही कम लोग आए हुए थे क्योंकि ये मतलब कोरोना के बाद जो है ना वो अभी हम पहली बार ही गए हैं ना, तो लोग भी बहुत कम आते हैं अभी भी। ये देखिए ये आंगन है, जो इसका जो मंदिर है ना वो थोड़ा ऊपर करके है अलग ही जगह पर, और ये यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई, ये मंदिर को जाता है रास्ता, ऊपर से आप देख सकते हो ये बैठने के लिए जगह बनी हुई है, और ये एक पानी के लिए जो ना बौड़ी बोलते हैं इधर, वो बनी हुई है, यहाँ पे लोग हाथ पैर मुंह धो के फिर माथा टेकने जाते हैं। तो बस हम लोग भी यहीं से से हम लोग जाते हैं, और हम लोगों ने माथा टेक लिया, ज़्यादा वहाँ पे कुछ भी नहीं हम लोगों ने कैप्चर किया, और अब ये जो है वो बाहर का व्यू है यहाँ का, और ये वापस आते वक्त बाजार का जो है ना वो व्यू है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बस यही छोटी सी वीडियो थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, थैंक यू।